हाँ सर, ये जो भी गोलीकांड हुआ क्या है मामला, कौन है जिनको गोली लगी? ये करीब शाम में 8:30 से 9:45 बजे के बीच विभूतिकंड थाना क्षेत्र में कठौता एरिया में गोलीबारी घटना हुई है, जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगरा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है, वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके, मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन खतरे से बाहर हैं। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। जो मृतक है वो माफिया और शुद्ध क्रिमिनल है, इसके खिलाफ 17-18 मुकदमे हैं, जिसमें 5 मर्डर के हैं। इसको हाल ही में 31 दिसंबर 2020 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा जिला बदर किया गया है। जो इसके साथी हैं उनसे बात हो रही है, उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं बताया है, बात हो रही है। और जो इनको गोली मारने वाले हैं ये इन लोगों के परिचित हैं, और शायद इन्होंने ही बदले में गोली चलाई थी, किसी गोली लगी उसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हाँ सर, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी और क्या एक्जेक्टली राउंड गिनना तो मुश्किल, लेकिन 25-30 जरूर राउंड पड़े। कौन से वेपन है जो बोर मिले हैं? 0.32 9 mm का बोर मिला है सर। गोली लगने का जो तो मानने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे सर? मृतक कहाँ रहते थे सर? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है, जरा बताने बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर, हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ सीसीटीवी वगैरह में? 3 हमलावर थे, पहले 4 की बात आ रही थी, लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह बताया 3 ही थे, और 3 वो मोटरसाइकिल से। सर, अभी कितनी टीम लगाई है? मुकदमे में जो है बताया जा रहा है कि गवाह बात है जिसके कारण गोली नहीं मारी। अभी सारी जानकारी हम लोग मऊ से ले रहे हैं। सर, अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं तत्काल? अभी देखिए, जो उनके साथी हैं मोहर सिंह, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, और हमको अंदाजा है कि जल्दी पता चल जाएगा कौन अपराधी थे, किस घटना में शामिल थे, और हम लोग जल्दी पकड़ लेंगे। थैंक यू।